हेलो हेलो, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल M2M क्लासेज में। और इस दृष्टि जियोग्राफी की सीरीज को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हो गया हूँ। और आज यह इसकी 7वीं क्लास है। 6 क्लासें इससे पहले से हो चुकी हैं। अगर आप सभी ने जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कल जहाँ से मैंने क्लास को छोड़ा था वहीं से इस क्लास को स्टार्ट कर। इसमें हम चैप्टर 3 जियोमॉर्फिक रीजन्स को पढ़ रहे थे। उसमें सबसे पहले हमने हिमालय का विभाजन देखा, उसके बाद कुछ प्रमुख दर्रे देखे और उसके बाद कुछ घाटियाँ। घाटियों में चल रहे थे हम, देखते हैं कहाँ तक कर लिया था हमने। तो घाटियाँ हमने सिक्किम की कंप्लीट कर ली थी, उससे आ गया नागालैंड की। नागालैंड से स्टार्ट करता हूँ कि नागालैंड में कौन सी घाटी प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। ठीक है, तो नागालैंड में पहली घाटी है जुकू घाटी। सॉरी, जुकू घाटी को देखते हैं कि जुकू घाटी भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में स्थित है। जून एवं सितंबर के माह में संपूर्ण घाटी जंगली फूलों से ढक जाती है। जो ये जुकू घाटी है, जून और सितंबर माह में संपूर्ण रूप से फूलों से ढक जाती है। इसमें फूलों की मात्रा जो है अधिक हो जाती है। इसके बाद आंध्र प्रदेश की घाटी है अराकू घाटी। यह घाटी गलीकोंडा, राक्ताकोंडा, सुकरीमेटा एवं चितामोगोंडी नामक पहाड़ियों से घिरी हुई है। गलीकोंडा, रक्ताकोंडा, सुकरीमेटा एवं चितामोगोंडी नामक पहाड़ियों से घिरी हुई है अराकू घाटी, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। आगे है तमिलनाडु की। तमिलनाडु में है कम्बम घाटी। यह तेकाड़ी, वरुषनादु एवं कोड़ाई कनाल पहाड़ियों से घिरी हुई है। कम्बम घाटी तमिलनाडु से संबंधित है। आगे है केरल। केरल से संबंधित है फेमस घाटी है शांत घाटी, जिसे साइलेंट वैली भी कहा जाता है। और यह जैव विविधता हेतु प्रसिद्ध है। यह केरल के पलक्कड़ जिले में नीलगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है। 1847 में शोध हेतु रॉबर्ट वाइट यहाँ आने वाले प्रथम अंग्रेज थे। कुंती नदी यहाँ के वन क्षेत्र से उद्गित तो होती है। जो कुंती नदी है वो इसी से निकलती है। ठीक है, और रॉबर्ट वाइट जो थे यहाँ यहाँ पर आने वाले पहले अंग्रेज थे। आगे देखते हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान। जो उत्तर भारत का मतलब नदियों के द्वारा द्वारा जिसका निर्माण हुआ है उसे कहते हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान। इसमें देखते हैं उत्तर भारत के मैदान का निर्माण मुख्यतः सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों तथा इनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से हुआ है। इन्हें गंगा व ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है। जो ये उत्तर भारत का विशाल मैदान है यह गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के नाम से भी जाना जाता है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान के नाम से। यह मैदान पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। यह एक समतल मैदान है। इसके उच्चावच में बहुत कम अंतर है, अधिकतर सभी जगह यह समान है, थोड़ा बहुत ही अंतर है इसमें। यह मैदान पूर्व से पश्चिम तक लगभग 3200 किलोमीटर लंबा है तथा 150 से 300 किलोमीटर तक चौड़ा है। यह इस मैदान की समुद्र तल से जो औसत ऊंचाई है वो 50 से 150 मीटर तक है। इस क्षेत्र की उपजाऊ मिट्टी, उपयुक्त तो जलवायु तथा पर्याप्त जलापूर्ति कृषि कार्य के विकास में बहुत सहायक है। जो इसकी मिट्टी है इस मैदान की, पूरे भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी इसी मैदान की है। उत्तरी मैदान को उच्चावच व भौतिक लक्षणों के आधार पर 5 महत्वपूर्ण प्रदेशों में बांटा जाता है। भावर, तराई, बांगर, खादर और डेल्टा। याद रखना है, इसको 5 भागों में बांटा जाता है उच्चावच व भौतिक लक्षणों के आधार पर। सबसे पहले भावर को देखते हैं। उत्तर भारत में शिवालिक के गिरिपथ प्रदेश में सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक के क्षेत्र को भावर कहा जाता है। शिवालिक के गिरिपथ से सिंधु नदी से तीस्ता मतलब शिवालिक के गिरिपथ में है और सिंधु नदी से तीस्ता के क्षेत्र को भावर के नाम से जाना जाता है। यह भूभाग हिमालयी नदियों द्वारा लाए गए पत्थर, कंकड़, बजरी आदि के जमाव से होता है। इसकी चौड़ाई सामान्यतः 8 से 10 किलोमीटर है।
इस भूभाग में छोटी नदियां पत्थर कंकड़ बजरी के ढेर के नीचे से प्रवाहित होने के कारण अदृश्य हो जाती हैं। जब नदियां इस भाग से होकर के प्रवाहित होती हैं तो अदृश्य हो जाती हैं, क्योंकि कंकड़ पत्थरों के कारण उसके नीचे से पानी निकलता है तो दिखाई नहीं देती हैं। यह क्षेत्र कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। इसके बाद है तराई। यह क्षेत्र भावर प्रदेश के दक्षिण का दलदली भाग है तथा बारीक कंकड़ पत्थर, रेत तथा चिकनी मिट्टी से बना हुआ है। इसकी चौड़ाई जो है 10 से 20 किलोमीटर तक है। और भावर प्रदेश में जो नदियां अदृश्य हो जाती हैं वो तराई के क्षेत्र में दिखाई देती हैं। और वर्षा की अधिकता के कारण तराई का विस्तार पश्चिम की अपेक्षा पूर्व में अधिक पाया जाता है, क्योंकि पूर्व में पश्चिम की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है इसलिए अधिक पाया जाता है। इस क्षेत्र में ढाल की कमी के कारण पानी बिखरा हुआ बहता है, जिसे इस क्षेत्र की भूमि सदैव नम रहती है एवं कृषि के लिए विशेषकर गन्ना, चावल एवं गेहूँ अधिकतर इस जगह पर उपजाए जाते हैं। यह उत्तरी मैदान की उच्च भूमि है जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। बांगर में है, अब ये बांगर पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। यह उत्तरी मैदान की जो है उच्च भूमि है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को ही बांगर कहा जाता है, याद रखना। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ यानी बांगर का बना है। इसका विस्तार मुख्य रूप से पंजाब व उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में पाया जाता है। इसमें कंकड़ भी पाए जाते हैं। शुष्क क्षेत्रों में इसमें लवणीय एवं क्षारीय उत्फुल्लन देखे जाते हैं, जिन्हें रेह या कल्लर कहा जाता है। बांगर क्षेत्र नदियों के बाढ़ वाले मैदान के तल से ऊपर स्थित होता है, इसलिए यहाँ नदियों के बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता है। जो बांगर क्षेत्र है उसमें नदियों का पानी नहीं पहुँच पाता है। यह क्षेत्र कृषि कार्य हेतु कम उपजाऊ होता है। इसमें भूमिगत जल स्तर की गहराई अधिक होती है। बांगर प्रदेश में अपचय के कारण भूमि के ऊपर की मुलायम मिट्टी नष्ट हो जाती है और वहां अब कंकरीली भूमि मिलती है। ऐसी भूमि को भूड़ कहते हैं। भूड़ मिट्टी जो है वो बांगर प्रदेश में पाई जाती है और यह कंकरीली होती है। इसके बाद है खादर। यह उत्तरी भारत के मैदानों की निचली भूमि है जो नवीन जलोढ़ मिट्टी द्वारा निर्मित है। इसमें कांप मिट्टी भी पाई जाती है। कांप मिट्टी जो है यह खादर से संबंधित है। इसका विस्तार जो पूर्व में उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल में है। खादर क्षेत्र नदियों के निचले हिस्से में स्थित होती है, जिस पर बाढ़ के समय जलोढ़ की नई परत जम जाती है। यह क्षेत्र कृषि कार्य हेतु उपजाऊ होता है। इसमें भूमिगत जल स्तर ऊंचा होता है। जैसे बांगड़ जो है उसमें जो जल स्तर होता है वो नीचा होता है और खादर में अधिक मतलब ऊंचा होता है भांगर की अपेक्षा, इसलिए यह अधिक उपजाऊ होती है उससे। खादर की भूमि की मृदा में चीका की अधिकता होती है जो इसे नमी धारण करने की क्षमता प्रदान करती है। यह क्षेत्र या मिट्टी चावल, जूट, गेहूं, दलहन, तिलहन आदि की कृषि हेतु प्रसिद्ध है। आगे डेल्टा। यह खादर मैदान का ही बड़ा भाग होता है। इसका विस्तार निचली गंगा घाटी यानी पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। इसमें पुराना व नया पंख या दलदल सम्मिलित है। इसमें उच्च भूमि को चार कहते हैं। जो डेल्टा है इसमें उच्च भूमि को चार के नाम से जाना जाता है। आगे उत्तरी भारत के विशाल मैदान को प्रादेशिक आधार पर चार भागों में विभाजित किया गया है, जिनमें प्रमुख हैं। पहला है पंजाब का मैदान, दूसरा है गंगा का मैदान, तीसरा राजस्थान का मैदान, चौथा है ब्रह्मपुत्र का मैदान। जो भारत का उत्तर का विशाल मैदान है उसे प्रादेशिक आधार पर चार भागों में बांटा गया है। पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान, राजस्थान का, ब्रह्मपुत्र का। सबसे पहले देखते हैं पंजाब के मैदान को।
सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास तथा सतलज के द्वारा निर्मित मैदान को पंजाब का मैदान कहा जाता है। जो यह पांच नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और यह सतलज समेत इसकी सहायक हैं, ये इन सभी के मैदान को पंजाब का मैदान के नाम से जाना जाता है। और उसका भौगोलिक विस्तार भारत में एवं पाकिस्तान दोनों देशों में पाया जाता है, लेकिन सर्वाधिक विस्तार पाकिस्तान में है इसका। भारत में पंजाब के मैदान के अंतर्गत बारी और बिस्त दोआब के क्षेत्र आते हैं। बारी और बिस्त ये भारत में आते हैं, जो कृषि की दृष्टि से भारत का एक विकसित क्षेत्र है। पंजाब की पुरानी जलोढ़ भूमि यानी बांगर को बेंड बेंड या अनुर्वर भूमि कहा जाता है। पंजाब की जो पुरानी जलोढ़ भूमि है उसे बेंड बेंड या अनुर्वर भूमि कहा जाता है। पंजाब के पर्वतपदीय मैदानों में नदियों के द्वारा अपरदन से निर्मित भूमि को चौस या चोस कहा जाता है। चोस या चौस, इस प्रकार के चोस होशियारपुर जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं। आगे है दोआब। दोआब से मतलब समझते हो, दो नदियों के क्षेत्र के मतलब दो नदियों का बीच का जो क्षेत्र होता है उसे दोआब कहते हैं। इसमें लिखा है दो नदियों के बीच स्थित भूमि को दोआब कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण उत्तर भारत में सिंधु नदी तंत्र के दोआब हैं। आगे है गंगा का मैदान। गंगा के मैदान का विभाजन किया गया है तीन भागों में, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, निम्न गंगा का मैदान। गंगा के मैदान को तीन भागों में बांट दिया पहले उन्होंने, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान। फिर आगे ऊपरी गंगा के मैदान को भी दो भागों में बांट दिया, एक रोहिलखंड का मैदान और एक अवध का मैदान। और मध्य गंगा के मैदान को भी दो भागों में बांट दिया, पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान और बिहार का मैदान। और निम्न गंगा के मैदान में पश्चिम बंगाल का मैदान है, ठीक है। और उसके बाद ये बिहार का जो मैदान है इसको फिर से तीन भागों में बांट दिया। इसमें पहला है सारण का मैदान, मगध का मैदान और मिथिला का मैदान, ठीक है। अब देखते हैं गंगा के मैदान में इसका विस्तार उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल तक पाया जाता है। जो गंगा का मैदान है इसका विस्तार उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। आपने देखा होगा जहां तक गंगा नदी पाई जाती है तकरीबन उसके आसपास के क्षेत्र को गंगा का मैदान कहा जाता है। गंगा तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित मैदान को मुख्यतः तीन मैदानी प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। बताया था अभी ऊपर, जैसे ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान। गंगा के मैदान की रचना एक अग्र गर्त में हुई है, जब प्रायद्वीपीय भूखंड ने हिमालय के दक्षिणी प्रसार को रोका तो हिमालय के उच्च वलनों के समक्ष एक अग्रगर्त निर्मित हो गया, जो धीरे धीरे हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से भर गया था, जिससे अंततः गंगा के विशाल मैदान का निर्माण हुआ था, ठीक है। जो अवसाद लाए गए थे नदियों के द्वारा उसी से गंगा के मैदान का निर्माण हुआ था। और गंगा के मैदान में पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर बंगाल की खाड़ी की शाखा के द्वारा होने वाली वर्षा की मात्रा में समुद्र से दूरी बढ़ने के कारण कमी होती जाती है। अगर पूर्व से पश्चिम की ओर चलोगे तो वर्षा की मात्रा में कमी होती जाएगी, और पश्चिम से पूर्व की ओर चलोगे तो वृद्धि होती जाएगी, ठीक है। यह सारा गंगा का मैदान। अब मध्य गंगा का मैदान बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। मध्य गंगा के मैदान में गोखुड़ झील अधिक पाई जाती हैं, क्योंकि इस भाग में नदियां विसर्प के रूप में बहती हैं। और गंगा के मैदान में यत्र तत्र गर्त पाए जाते हैं, यत्र तत्र, जिसे पटना के निकट जल्ला तथा मोकामा के निकट टाल कहते हैं, जिसे पटना के निकट जल्ला और मोकामा के निकट टाल कहते हैं।
पश्चिम बंगाल में जल से भरे ऐसे गर्तों को बील कहा जाता है। जलपाईगुड़ी तथा दार्जिलिंग जिले का पर्वतीय तथा तराई का क्षेत्र दुआर कहलाता है। जो जलपाईगुड़ी तथा दार्जिलिंग जिले का पर्वतीय क्षेत्र है, वो तराई का क्षेत्र है, उसे दुआर कहा जाता है। आगे राजस्थान का मैदान, इसका विस्तार पश्चिम में अरावली पर्वत से लेकर भारत पाकिस्तान की सीमा तक, उत्तर में पंजाब हरियाणा के मैदान तक तथा दक्षिण में गुजरात के मैदान तक पाया जाता है। जो राजस्थान का मैदान है, इसका पश्चिम में अरावली से लेकर भारत पाकिस्तान की सीमा तक, उत्तर में पंजाब हरियाणा के मैदान तक तथा दक्षिण में गुजरात तक के मैदान तक पाया जाता है। राजस्थान का मैदान तथा केंद्रीय उच्च भूमि के बीच अरावली पर्वत एक विभाजक का कार्य करता है। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान के मैदान में राजस्थान बांगर और थार मरुस्थल की विभाजक रेखा है। राजस्थान बांगर की उर्वर भूमि को रोही कहा जाता है। रोही, एक बात और याद रखना कि 25 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर से कम बारिश जिस क्षेत्र में होती है उसे मरुस्थल कह सकते हैं हम। राजस्थान के मैदान में सांवर झील भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील है तथा लूनी इस मैदान की प्रमुख नदी है। जो सांवर झील जो है राजस्थान की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय भूमि है जिसके चारों तरफ स्थल है। इस क्षेत्र में पहाड़ियों से घिरे अवकेंद्रीय अपवाह वाले विस्तृत समतल गर्त को बोलसन कहते हैं। बोलसन इस क्षेत्र में ही पाया जाता है। चौरस तथा प्रवाहित द्रोणी वाली छोटी झीलों को प्लाया कहते हैं। चौरस तथा प्रवाहित द्रोणी वाली छोटी झीलों को प्लाया। सांवर झील बोलसन का अच्छा उदाहरण है। जो सांवर झील है ये बोलसन का अच्छा उदाहरण है। डीडवाना, कुचामन, सरगोल तथा अन्य झीलें प्लाया के उदाहरण हैं। सांवर तो बोलसन का उदाहरण है, डीडवाना, कुचामन, सरगोल तथा अन्य झीलें प्लाया के उदाहरण हैं। समस्त मरुस्थलीय प्रदेशों में रेतीले टीले तथा बरखान पाए जाते हैं। राजस्थान मैदान का एक बड़ा भाग बालुका स्तूपों से ढका हुआ है। राजस्थान का जो बड़ा भाग है वो अधिकतर बालू के जो स्तूप बने हुए हैं उनके अंदर ढका हुआ है। आगे ये इसका मैप है। अब है ब्रह्मपुत्र का मैदान। यह मैदान ब्रह्मपुत्र एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित किया गया एक विशाल मैदान का सुदूर पूर्वी भाग है। ठीक है, मैदान का सामान्य ढाल दक्षिण पश्चिम की ओर और बंगाल की खाड़ी की तरफ है तथा ढाल प्रवणता के कम होने के कारण इस क्षेत्र में कई नदी द्वीप बन गए हैं, जैसे जिसमें प्रमुख है माजुली द्वीप, और यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भी है माजुली द्वीप, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है असम में। असम घाटी के उत्तरी किनारों का ढाल खड़ा परंतु दक्षिणी किनारों का ढाल मेघालय की तरफ मंद पाया जाता है। यह मैदान भारत के सबसे उपजाऊ मैदानों में से एक है तथा यहाँ मुख्य रूप से चावल तथा पटसन की खेती की जाती है। ब्रह्मपुत्र मैदान के कुछ भागों में सहायक नदियों द्वारा निर्मित शंकुओं के निर्माण से प्रवाह मार्ग अवरुद्ध हो जाने के कारण गोकुड़ झील, बील, दलदल एवं तराई क्षेत्र बन गए हैं। अब इसमें आगे है भारत का मरुस्थल। इसमें देखते हैं 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा या उससे कम वर्षा वाले क्षेत्र को मरुस्थल की श्रेणी में रखा जाता है। भारत में अरावली पहाड़ियों के उत्तर पश्चिमी तथा पश्चिमी किनारे पर बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मरुस्थलीय मैदान है जिसे थार का मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। थार के मरुस्थल का अधिकांश भाग राजस्थान में परंतु कुछ भाग पंजाब हरियाणा एवं गुजरात में भी पाया जाता है। विश्व के मरुस्थलीय प्रदेशों में सर्वाधिक जनघनत्व थार के मरुस्थल का है। जितने भी विश्व के मरुस्थल हैं उन सभी में जनघनत्व थार के मरुस्थल में अधिक पाया जाता है।
और ढाल के आधार पर थार के मरुस्थल को दो भागों में बांटा जाता है। पहला है उत्तरी भाग, जिसका ढाल पाकिस्तान के सिंध प्रांत की ओर है। जो पहला है उत्तरी भाग, इसका ढाल जो है पाकिस्तान की तरफ है, और दूसरा है जिसका ढाल कच्छ के रण की ओर है, गुजरात की तरफ। कच्छ के रण को सफेद मरुस्थल भी कहा जाता है, क्योंकि नमक की अधिकता की वजह से। यह क्षेत्र नमकीन दलदल से निर्मित है, जो हजारों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस क्षेत्र की अधिकांश नदियों में केवल वर्षा के मौसम में ही जल पाया जाता है। अधिकांश नदियां अंतःस्थलीय प्रवाह प्रतिरूप का उदाहरण हैं, जिनमें प्रमुख लूनी नदी है। इस क्षेत्र की भूगर्भिक चट्टानी संरचना प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है, किंतु यहाँ की धरातलीय स्थलाकृतियाँ भौतिक अपक्षय एवं पवनों द्वारा निर्मित होती हैं, जैसे रेत के टीले, बरखान, छत्रक आदि। आगे अब प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार में देखते हैं कि भारत का प्रायद्वीपीय पठार एक अनियमित त्रिभुजाकार आकृति वाला भूखंड है। त्रिभुजाकार आकृति वाला भूखंड है भारत का प्रायद्वीपीय पठार, जिसका विस्तार उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वतमाला व दिल्ली पूरम में राजमहल की पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ, दक्षिण में इलायची जिन्हें कार्डमम भी कहा जाता है पहाड़ियाँ, तथा उत्तर पूरम में सिलांग एवं कार्बी एंगलोंग पठार तक है। इसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। यह गोंडवाना लैंड के टूटने एवं उसमें उसके उत्तर दिशा में प्रवाह के कारण बना है। अतः यह प्राचीनतम भूभाग पेंजिया का एक हिस्सा है, जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना हुआ है। जो भारत का प्रायद्वीपीय भाग है वो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना हुआ है। सामान्यतः प्रायद्वीप की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती जाती है। यही कारण है कि प्रायद्वीपीय पठार की अधिकांश नदियों का बहाव पश्चिम से पूर्व की ओर है। प्रायद्वीपीय पठार का ढाल उत्तर और पूर्व की ओर है, जो सोन, चंबल और दामोदर नदियों के प्रवाह से स्पष्ट है। ठीक है, दक्षिणी भाग में इसका ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है, तो जो गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी नदियों से प्रवाह से स्पष्ट है। जो प्रायद्वीपीय पठार है इसका उत्तर में पूर्व की ओर है इसका ढाल, जो प्रायद्वीपीय पठार का ढाल है उत्तर और पूर्व की ओर भी है, जो सोन, चंबल और दामोदर नदी से इसका मतलब स्पष्ट है ये। और जो दक्षिणी भाग है इसका ढाल जो है पश्चिम से पूर्व की ओर है, जिसका उदाहरण ये है गोदावरी, कृष्णा और महानदी, क्योंकि इनका जो बहाव है पश्चिम से पूर्व की तरफ है, बंगाल की खाड़ी की तरफ। प्रायद्वीपीय नदियों में नर्मदा एवं ताप्ती नदियां अपवाद हैं, क्योंकि इनके बहने की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह भ्रंश घाटी से होकर के बहती हैं। प्रायद्वीपीय पठार को पठारों का पठार भी कहा जाता है, क्योंकि यह अनेक पठारों से मिलकर बना हुआ है। जो प्रायद्वीपीय पठार है वो एक पठार का भाग नहीं है, यह कई पठारों से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसे पठारों का पठार कहा जाता है, जिसमें प्रमुख हैं केंद्रीय उच्च भूमि का पठार, पूर्वी पठार, उत्तर पूर्वी पठार और दक्कन का पठार। अब ये इसमें कुछ गुजरात की प्रमुख पहाड़ियां हैं, जो उत्तर से दक्षिण के क्रम में दी हुई हैं, कि सबसे ऊपर है इसमें कच्छ की पहाड़ी, जो गुजरात में पड़ती है कच्छ की खाड़ी, उसके नीचे है मांडव पहाड़ी। ठीक है, सबसे ऊपर कच्छ की पहाड़ी, उसके नीचे मांडव पहाड़ी, और उससे नीचे वर्धा पहाड़ी, उससे नीचे गिरनार पहाड़ी, और सबसे नीचे गिर पहाड़ी। याद रखना कि गिरनार अगर दक्षिण से देखा जाए तो गिरनार, वर्धा, मांडव और कच्छ। कच्छ सबसे ऊपर, गिर सबसे नीचे। अब देखते हैं केंद्रीय उच्च भूमि को, जो प्रायद्वीपीय पठार में प्रमुख है। केंद्रीय उच्च भूमि का पठार, केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों को शामिल किया जाता है, अरावली पर्वत श्रेणी और मेवाड़ का पठार।
जो है केंद्रीय उच्च भूमि जो है इसमें अरावली पर्वत श्रेणी, मेवाड़ का पठार, मालवा, विंध्यन, बुंदेलखंड ये सभी इसी में आते हैं। ठीक है, देखते हैं। और इससे हाँ ये रहा मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, विंध्यन श्रेणी, सतपुरा श्रेणी। सबसे पहले देखते हैं अरावली पर्वत श्रेणी को। अरावली पर्वत का विस्तार उत्तर पूर्व में दिल्ली रेंज से लेकर दक्षिण पश्चिम में गुजरात के पालनपुर तक 800 किलोमीटर तक है। यह प्राचीनतम मूड़दार अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है जो राजस्थान बांगर को केंद्रीय उच्च भूमि से अलग करता है। इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में मानी जाती है। अरावली की अनुमानित आयु 570 मिलियन वर्ष पुरानी है। अरावली की संरचना पश्चिमी भारत का मुख्य जल विभाजक है जो राजस्थान मैदान के अपवाह क्षेत्र को गंगा के मैदान के अपवाह क्षेत्र से अलग करती है। लूनी नदी इस पर्वत श्रेणी से निकलने वाली राजस्थान मैदान की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है जो राजस्थान बांगर और थार मरुस्थल से होते हुए गुजरात के कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। इसलिए एक यह अंतस्थलीय अपवाह तंत्र का उदाहरण है। अरावली पर्वतमाला पश्चिमी भारत की एक मुख्य जलवायु विभाजक भी है। जो अरावली पर्वतमाला है यह भारत की मुख्य जलवायु विभाजक भी है जो पूर्व के अपेक्षाकृत अधिक वर्षा वाले क्षेत्र को पश्चिम के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश से अलग करती है। उत्तर पश्चिमी भारत में यह क्षेत्र खनिज संसाधनों जैसे तांबा, सीसा, जस्ता, अभ्रक तथा चूना पत्थर के भंडार की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है जो माउंट आबू पर स्थित है। इसी आबू पहाड़ी में जैनियों का प्रसिद्ध धर्मस्थल दिलवाड़ा जैन मंदिर है, जबकि अन्य शिखर कुम्मलगढ़ है। आगे मेवाड़ का पठार। मेवाड़ के पठार का विस्तार राजस्थान व मध्य प्रदेश में है। मेवाड़ पठार अरावली पर्वत को मालवा के पठार से अलग करता है। जो मेवाड़ का पठार है वह अलावरी पर्वत और मालवा के पठार के बीच में है। ठीक है, यह अरावली पर्वत से निकलने वाली बनास नदी के अपवाह क्षेत्र में आता है। बनास नदी चंबल की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। आगे है मालवा का पठार। मध्य प्रदेश में बेसाल्ट चट्टान से निर्मित संरचना को मालवा का पठार कहते हैं। बेसाल्ट की चट्टानें पाई जाती हैं इसमें। मालवा पठार को राजस्थान में हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। इसका विस्तार दक्षिण में विंध्यन संरचना, उत्तर में ग्वालियर पहाड़ी, पूरब में बुंदेलखंड व बघेलखंड तथा पश्चिम में मेवाड़ पठारी क्षेत्र तक है। यहाँ बेसाल्ट चट्टान में अपक्षरण के कारण काली मृदा का विकास भी हुआ है। बेसाल्ट चट्टान में अपक्षरण के कारण इसलिए मालदा पठारी क्षेत्र कपास की कृषि के लिए भी प्रसिद्ध है। चंबल, नर्मदा व तापी यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। चंबल नदी घाटी भारत में अवनालिका अपरदन के लिए सर्वाधिक प्रभावित है, जिसे बीहड़ या उत्कात भूमि भी कहते हैं। याद रखना, चंबल नदी जो है अवनालिका अपरदन के लिए जानी जाती है भारत में। आगे बुंदेलखंड का पठार। इसका विस्तार ग्वालियर के पठार और विंध्याचल श्रेणी के बीच मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश राज्य में है। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 7 जिले जालौन, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, हमीरपुर, बांदा, महोबा आते हैं तथा मध्य प्रदेश के 8 जिले आते हैं उत्तर प्रदेश के साथ। मध्य प्रदेश के जिले हैं दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह, सागर और विदिशा। यहाँ की ग्रेनाइट व नीस चट्टानी संरचना में अपचय व अपरदन की क्रिया के होने के कारण लाल मृदा का विकास हुआ है। बुंदेलखंड के पठार में यमुना की सहायक चंबल नदी के द्वारा बने महाखंडों को उत्कात भूमि का प्रदेश कहा जाता है। बुंदेलखंड क्षेत्र सूखा व प्रवाहित क्षेत्र होने के कारण केंद्रीय उच्च भूमि का आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़ा क्षेत्र है। मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित बुंदेलखंड का पठार केंद्रीय उच्च भूमि को पूर्वी पठार से अलग करता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही।
यहीं से कल विंध्यन श्रेणी से कल की क्लास को स्टार्ट करूंगा। जब तक आप पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।